So guys, I'm back from the gym. आज मुझे ऐसा लग रहा है मोटी गैलेट आटे फिसलने वाली है बिकॉज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फर्स्ट टाइम इन द एविएशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन मैनकाइंड ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ वी बोथ आर फ्लाइंग टुगेदर एज ए नॉट इन वन एयरक्राफ्ट आई विल टेक माई ओन एयरक्राफ्ट शी विल टेक हर ओन एयरक्राफ्ट हमारा टिक क्या हो गया बगल से गंदा लग रहा है मुझे लगा अपने ऐसे बगल की सूंघ रही है मेरा डिपार्चर है 1:30 पे इसका 1:20 पे है हम लोग सेम जगह जा रहे हैं सो ये टेक ऑफ करेगी इसके पीछे पीछे मैं टेक ऑफ करूंगा है ना मोटे एक काम कर बेटा सो जा तो लग जाएगी क्योंकि देख तू है फर्स्ट ऑफिसर मैं हूँ कप्तान क्या हो गया देख यही बताए गाइज हैव दिस एडवांटेज ओवर गर्ल्स हम जैसे भी लगे हमें मतलब नहीं होता मैं हूँ कप्तान मैं सारा काम अपने फर्स्ट ऑफिसर को डेलीगेट कर देता हूँ भाई वो लोग सारा काम करते हैं मैं सुपरवाइज करता हूँ अगर चार सेक्टर है चार सेक्टर में से मैं तीन सेक्टर की लैंडिंग उनको देता हूँ वो भी खुश मैं भी खुश और मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं नए टैलेंट को चांस देता हूँ अपने में जस्ट लाइक सलमान खान ही गिव्स चांस टू न्यू टैलेंट सो आई ऑल्सो गिव चांस टू न्यू टैलेंट आई एम नॉट लाइक यू ये बता क्या करती है ये कॉकपिट में जाती ना भिखमंगों की तरह सर मैं सारे सेक्टर कर लूँ सर तू ये बोलती कि नहीं तू भाई शर्मा की तरह मोटे अभी पता वो आ रहा था कौन मेरे करोड़पति आ रहा है उसमें अमिताभ बच्चन कहता है इसका सही उत्तर बताइए ए पढ़ता ऑप्शन रशी पहले ऐसे बता ना ए बी रशी सही आंसर क्या है ए बी कुछ भी क्वेश्चन पूछा अमिताभ बच्चन सबका आंसर बी क्या है ए विक्टोरिया सीक्रेट बी और मैंने कहा विक्टोरिया सीक्रेट सॉरी एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें विक्टोरिया मेमोरियल था वो विक्टोरिया नाम आते ही सीक्रेट निकलता है उसे क्या करें एयरलाइन फ्लाइंग स्टार्ट की थी हमारी एक फ्लाइट होती थी दिल्ली बॉम्बे दिल्ली और वो लैंड होती थी रात को 12:30 बजे उस समय एयरपोर्ट पे लाइक वो फ्लाइट रिसीव करने के लिए सन्नाटा हमें लगता था यार कितनी लेट लैंड किया 12:30 और एक आज का जमाना है 12:30 हो चुका है 1:30 की रिपोर्टिंग है आज का जमाना देखो खैर वो बताना लगता है उस जमाने में इतने हैंडसम कैप्टन नहीं हुआ करते थे सुनो ज़्यादा सूरा सिंगार मत करो टाइम हो गया मैं निकल रहा हूँ मोटे मान गया तेरे को यार सुबह 12:30 बजे मेकअप कर रही है मेकअप थोड़ा कर रहा हूँ चलो मैं जा रहा हूँ रसबेरी का दूध गर्म कर दिया मैं जा रहा हूँ ठीक है जैसे मैं घर से बाहर निकला मेरे घर के बाहर दो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और जैसे मैं निकला दोनों ड्राइवर रेडी गेट खोल गए और मैं किस में जाऊँ एक मेरी थी एक ऋतु की थी मेरा जहाज ट्राई करेगा उसके पीछे जस्ट ऋतु का जहाज ट्राई करेगा आज अमेजिंग फीलिंग आ रही है ऑल्सो मैंने एक्चुअली रियलाइज की मैं गाड़ी में बैठे बैठे हमेशा कहता हूँ अपने जो यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं ना उनके कॉमेंट्स मैं पढ़ता हूँ रिप्लाई करता हूँ लाइक करता हूँ हार्ट करता हूँ गाड़ी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैंने कहा थैंक यू भाई लव यू टू भाई देखो ऐसा है फिर बात रियलाइज किया कॉमेंट करने के बाद वो भाई नहीं थे वो बहनें थी सॉरी रेड आई फ्लाइट है तो हमें लगा एक कॉफी की बहुत ज्यादा जरूरत है आज ये कॉफी से हमें वरदान मिलेगा जैसे लक्ष्मण भगवान को लगा ना याद है आपको कि जब तक वो वनवास में है प्रभु राम के साथ उनको नींद नहीं आएगी क्योंकि उसकी पता है कुछ स्टोरी पता है इसकी स्टोरी है कि वो भगवान राम रात को सोते थे तो लक्ष्मण जागते थे कि जंगल में है कोई जानवर वानवर ना आ जाए रक्षा करने के लिए तो भगवान ने कहा कि ऐसे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है सोगे नहीं तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं सोऊंगा तो फिर लक्ष्मण की जो वाइफ थी उन्होंने तपस्या की तो वो अपने हिस्से का सोती थी रात को दिन में लक्ष्मण के हिस्से का सोती थी डबल सोती थी वो तो 14 साल वनवास थे ना लक्ष्मण वो सोई पूरा और लक्ष्मण पूरा जागे ताकि भाई की रक्षा करने के लिए शेषनाग थे ना वो विष्णु के शेषनाग थे कहता भाई जब आप सो रहे हो मैं जाऊंगा मेरी आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है तो भाई ये कॉफी आज हमारा काम करेगी नींद भगाएगी हमारी आज हेलो
सो गाइस ऋतु का जहाज़ यहाँ से 3 पार्किंग स्पॉट्स छोड़ के खड़ा हुआ है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर बिकॉज आई नो कि उसकी सुबह की फ्लाइट होती है, उसको बेबी को भी चलाना होता है. मुझे इवन इफ आई हैव टू स्लीप 4 आवर्स, आई स्लीप 4 आवर्स लाइक स्ट्रेट, बट उसको 4 घंटे बचता है, 4 बार उठता है. सो एंड वो मुझे कहती है मैं भी ब्लॉगिंग करूँगी, मेरे से कैमरा मांग रही थी, बहुत बड़े ब्लॉगर बने थे. मैंने कहा तुम अभी नए स्ट्रगलर हो, ठीक है, तुम्हें जो है गियर से ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान दो, अपने अपने फ़ोन से ब्लॉगिंग करो, क्योंकि स्ट्रगलिंग डेज में तुम्हें फ़ोन से ब्लॉगिंग करनी चाहिए. आए बड़े ब्लॉगर बनने दो, फिर दाँत ऐसे इन्होंने मेरे को पकड़ा दिया, ये वाला कैमरा क्या. मेरे कहते हैं तू अपने फ़ोन से ब्लॉग करेगी और खुद लेके गए बड़े वाला कैमरा, कहते हैं तू बिगनर है, फ़ोन से करेगी. बताओ गलत बात है ना, उल्टा बिगनर को तो आपको अच्छा कैमरा देना चाहिए. वैसे तो मैं तो वो इतना अच्छे एडिटिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो फ़ोन से अच्छी एडिटिंग करके दिखाओ. बड़े कैमरे से तो मैं भी अच्छी एडिटिंग कर लूँगा. सिर्फ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को पढ़ाई करनी है. जी क्या कि हर फ्लाइट से पहले हमें ना डॉक्यूमेंट्स रीड करने होते हैं, तो वैसे तो हमें 1 घंटा मिलता है, उसका रीज़न ये होता है सो दैट वी कैन गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स. बट मैं एज ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा हूँ भैया, ध्यान से भैया, इतना कोई जल्दी भी नहीं है. पढ़ाकू बच्चा हूँ तो मैं जनरली मैं डॉक्यूमेंट्स अपने कैब में ही पढ़ लेती हूँ, ताकि वहाँ पे जाके आई कैन जस्ट ब्रीफ द कैप्टन, कैप्टन ऐसा ऐसा है, ये एयरक्राफ्ट है, उसमें ये दिक्कतें हैं, डोंट वरी आई एम देयर कैप्टन. और ये कभी भी कैब में नहीं बढ़ते हैं, लेकिन इसे कहते हैं डेडिकेटेड बच्चे, जो कि ये बिल्कुल नहीं है. थोड़ी अजीब टाइप की खुशी हो रही है, अच्छा कि मैं लैंड करूँगी, फिर वो लैंड सेम जगह करेंगे, फिर मैं वहाँ से टेक ऑफ करूँगी, फिर वो सेम जगह से टेक ऑफ करेंगे. ऑल्सो मोटे का कॉन्फिडेंस देखो, मोटा मुझे कहता है तेरे को आज सिनेमेटिक शॉट लेने की जरूरत नहीं है अपने फोन से, मैं बड़ा वाला कैमरा लेके जा रहा हूँ. लेकिन ऐसे कैसे मैं सिनेमेटिक शॉट ना लूँ और मेरे सिनेमैटिक शॉट उनके सिनेमैटिक शॉट को टक्कर देंगे, देखिएगा. Hey, wow, man. The thing is, we have landed. I want to meet him. He just came in and he's on bay number 7. I'm on bay number 8. We go साथ साथ हैं. But I don't know if I'll be able to meet him or not. I'm just waiting for him. पता नहीं मिल भी पाएंगे कि नहीं. So we have just landed. मोटे का जहाज स्टैंड नंबर 8 पे है. We are at stand number 7. She just messaged me. That's her aircraft. I'm going to meet her. वैसे भाग क्या था? So that's his aircraft. मैं ही try करती जाने का. शर्म आ रही है ऐसे. पहली बार किया मैं किसी और के एयरक्राफ्ट में जा रही हूँ. तो वो वहाँ पर है, जल्दी आए. अरे यार क्या ये ताज़ नहीं है, मैं सोच रही मैं ही इन्हें सरप्राइज कर देती हूँ. छोटे ब्लॉगर है, कौन से ब्लॉगिंग करते हैं? रुक जाओ, ये देखो 360 डिग्री कैमरा. मेरे को जाना है, मेरा डिपार्ट से टाइम होने वाला है. मैं जल्दी डिपार्ट करूंगा, आपको सुनाई नहीं रेडियो पे. हाँ मेरे को भी सुनाई नहीं थी आप, और रुक जाओ ना. तो मैं आपको पिकअप करने आया हुआ, आप कैब मत लेना. नहीं नहीं फ्लाइट नंबर क्या है? 863. भगाते रहूंगा तेरे पीछे पीछे, भगाते रहो. लैंड होकर मैसेज करती हूँ. तेरी बोर्डिंग होने वाली है तो मुझे भागना पड़ेगा. अभी कप्तान नहीं बनी हूँ ना, तो कप्तान का थोड़ा खौफ है मेरे को. I was going to meet her, but मेरे को ये मिल गई.
You want something tea coffee? Say hi to the camera. This is my first officer, Ashish. इस बेचारे की लैंडिंग मैंने छीन ली क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी. Because first officers can't land in rain. Sad, sorry. But next time you can do this one. शॉप में अपने बनाऊंगा गर्मा गर्म चाय. एक्चुअली रितु की जो फ्लाइट थी शेड्यूल डिपार्चर हमसे बाद में था बट हमसे पहले आ गई. औरतें होती चला के है ना, कुछ खराब चला के जल्दी आ जाती है. मुझे घर से तो मैं बाहर निकली, मैं घर से पहले निकला था. पुणे पहुंच गई पहले, दिल्ली पहले पहुंच गई. ये बहुत कॉम्पिटेटिव नेचर की है. ये कॉम्पिटिशन लगा दी मेरे से, ये कॉम्पिटिशन लगा दी थी मेरे से. इंटेलिजेंट नहीं मेरा है, खोलो नहीं. मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने दिया था ये. तुम्हें देते सब्सक्राइबर? तुम्हें देता कोई कुछ? कुछ नहीं देता, क्योंकि लोगों को पता है कि जहाँ टैलेंट है. ओ तुम्हारा पास सब्सक्राइबर, गिव मी दिस, थैंक यू सो मच. मैंने कहा था तू कितनी कंपेटिटिव, तुम्हें से कंपटीशन लगाती ना मोटे. ये जब उसकी शादी होती ना उससे भी कंपटीशन लगा देती है. ये फिर इसने आगे आगे खड़े होकर किया है. पंडित जी कहते हैं बेटा आपके हो गए चार, पीछे रखे नहीं पंडित जी, मैं आगे जी करूंगी. फिर मैं घर गया, मैंने कहा तुम कंपटीशन करने पूछो थी ना वो अंगूठी वाली रस्म, मैं आज दबोच लिया इसका, वही खत्म. वो दिन है, आप चालू बन रहे थे वो दिन है और आज का दिन है ये बिकी बिल्ली मेरे सामने. दिल्ली का पोल्यूशन कितना भयानक हो गया ना. और आप जब डिसेंड करे तो एकदम नाक में एकदम. एक्चुअली हम लोग डिसेंड करते हैं जस्ट पासिंग 3000 फीट, अराउंड 3000 अप्रोक्सीमेटली नीचे आते ना, एक लगता है पहले नाक में दूसरा गले में. गले में सीधा ऐसे लगता. मेरा और मोटे का सेम बैग है, ये मोटे का बैग, ये मेरा बैग, सेम टू सेम. फर्क ये है कि मेरे को मेरा बैग फ्री में मिला, आई अर्नड इट, एंड इनको इनका बैग फ्री में मिला बिकॉज़ आई गिफ्टेड इट. क्यों तू क्या बोलना चाह रही हो, क्या बोल रही हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ता मेरे तो. तुझे अभी डाला हूँ ना लिफ्ट में, उसमें बस एक ही चीज मुझे दिखी, I earned it. तू सारी लाया ना, बस वही समझ में आ मेरे को. रश्यू मैंने इन भाई से भी केले लिए हैं. भाई नाम क्या पकड़ू, मैं बस पैसे नहीं थे, मैंने उधारी करके आ रहा उनके पास. इनका नाम है आशीर्वाद. मैंने कहा ये फल दे के सबको आशीर्वाद देते हैं, भेजता हुआ अभी. ठीक है आपको भेजता हूँ पैसे, थैंक यू सो मच. सो आई हैव गॉट बनाना स्पेशली फॉर रसभरी, बिकॉज जब भी मैं अपना प्रोटीन शेक बनाता हूँ तो रसभरी मतलब शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक माई प्रोटीन शेक. क्यों ना उसको प्रोटीन शेक में सारी चीजें डाल जो मैं डालता हूँ माइनस द प्रोटीन. तुम्हारे लिए ले आए बनाना, ला तुम्हारे लिए बनाते हैं. ओह आज रस्सी के लिए बन रहा है स्पेशल शेक, जिसमें हमने डाला है बनाना, एवोकेडो, मिल्क, पीनट बटर एंड थोड़ा सा गुड़. आजा आजा, गिव इट द पापा कैमरा फॉर पापा. रशु लाओ लाओ लाओ, एक सप्ताह से तुम गिव इट टू पापा. लाओ रशु रशु लाओ, दे आर नॉट योर स्वीटर्स बेटा. रशु रशु लाओ.